दोस्तों, मिट्टी की हांडी में बना खाना स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा पौष्टिक और सुपाच्य भी होता है। इसीलिए आज मैं आपके लेकर आया हूँ ये लाजवाब और मुंह में पानी लाने वाली हांडी चिकन की रेसिपी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ले ली है तकरीबन 400 ग्राम प्याज, और प्याज को हम कर लेंगे पतला पतला स्लाइस। दोस्तों, इस रेसिपी के अंदर प्याज की क्वांटिटी चिकन की क्वांटिटी से आधी रहती है, तो हम इस रेसिपी के अंदर 750 ग्राम चिकन यूज कर रहे हैं और उसी के आधे से थोड़ा ज्यादा हमने यहाँ पर प्याज लिया है। और साथ ही साथ हमने ली है 15 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का और 5 से 6 हरी मिर्चें, और इन तीनों को पीस कर हमने एक पेस्ट तैयार कर लिया है। और हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 750 ग्राम चिकन, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और दोस्तों, ये है हमारी मिट्टी की हांडी, और इसमें मैं डाल रहा हूँ काफी सारा सरसों का तेल। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, उसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पर छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और जीरा लिया है। और जैसे ही हमारे मसाले क्रैकल करने लगेंगे, इसमें हम डाल देंगे हमारा स्लाइस किया हुआ प्याज। और प्याज को ऐड कर देने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है मीडियम फ्लेम पर। हमारे प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर इसीलिए भून रहे हैं ताकि प्याज हमारा अच्छी तरह से पक जाए, अच्छी तरह से गल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा प्याज कितनी अच्छी तरह से गल चुका है और अच्छी तरह से पक चुका है, और इसी स्टेज तक हमें प्याज को पकाना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट। इस पेस्ट को ऐड कर देने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो मैंने यहाँ पर ली है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इस सारे के सारे मसाले को इसमें ऐड कर देंगे। और मसाले को ऐड कर देने के बाद हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। और साथ ही साथ हम डाल देंगे इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार, और नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारा मसाला तैयार है, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा चिकन, जिसकी क्वांटिटी तकरीबन 750 ग्राम है। और दोस्तों, चिकन को ऐड कर देने के बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा का सारा मसाला चिकन पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। दोस्तों, अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ धनिया की डंडियां, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। दोस्तों, इसका फ्लेवर धनिया की पत्तियों से भी काफी ज्यादा बेहतरीन आता है। और अब हम इसे ढककर पकाएंगे धीमी आंच पर तकरीबन 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और चिकन को एक बार स्टर कर लेंगे। दोस्तों, हांडी में पकाते वक्त ये भी चेक करना जरूरी है कि कहीं हमारा चिकन नीचे लग तो नहीं रहा। और अब हमारी डिश को थोड़ा सा रिच बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। और नारियल का बुरादा डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लेना है मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 150 ग्राम फेटा हुआ दही। और दही को डाल देने के बाद हम इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेना है, और आंच को हमें धीमा रखना है ताकि दही हमारा फटे ना। और दही को डाल देने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे धीमी आंच पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और 25 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और इसमें ऐड करेंगे कुछ फाइनल फिनिशिंग टच। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है कुछ हरी मिर्चें और अदरक के लच्छे, और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे कुछ बारीक बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा चटपटा मसालेदार हांडी चिकन। दोस्तों, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना बेल बटन को, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।